हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम शुरू करते हैं क्लास एट्थ की एक्सरसाइज 1.2। इसके क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करेंगे। तो देखिए, इसमें अभी हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही है इसमें भी। पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, तो इनका एलसीएम आ गया 6। तो इसके डिनोमिनेटर को -3/2, जो इसके डिनोमिनेटर को इतने नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर आ जाए 6। तो 3 से करूंगा और जितने नीचे से कर रहा है उतने ऊपर वाले को भी करना है। तो ऊपर आ जाएगा -9/ ये नीचे 6, और यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 2 से कर दिया तो आ गया 10/6। अब देखिए, डिनोमिनेटर बराबर हो गए तो इनके बीच में क्या 5 रैशनल नंबर निकल जाएंगे? तो इसमें निकल जाएंगे, नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव वाला इनके बीच में निकल जाएंगे। जैसे कि -8/6, 7, 6, 5 और 4। तो हमें किसी और नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर नहीं निकलते तो जैसे 2 या 3 से मल्टीप्लाई करते, ऊपर नीचे दोनों में सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो फिर आ जाता। और बाकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैप्टर या किसी और चैप्टर पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोई डाउट होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।